दोस्तों 10,000 रुपए का प्राइस सेगमेंट एक ऐसा सेगमेंट बन चुका है जहां पर इतने सारे स्मार्टफोन सेल होते हैं, उतने तो हम सोचते भी नहीं होंगे। गाइस, इस बजट के अंदर अब जितने भी नए स्मार्टफोन्स लॉन्च किए जा रहे हैं, उन सभी स्मार्टफोन्स के अंदर हमें कुछ न कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स जरूर देखने को मिलते हैं, जो कि दोस्तों इस प्राइस के अकॉर्डिंग हमें किसी भी फोन के अंदर नहीं मिलते। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं टॉप 5 ऐसे स्मार्टफोन्स के बारे में जो कि आप परचेस कर पाएंगे 10,000 रुपए की प्राइस पर। और हाँ दोस्तों, सभी के अंदर आपको फीचर्स काफी अच्छे मिलने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों इस प्राइस के अंदर आपको यहाँ पर हायर रिफ्रेश रेट के साथ में अच्छी खासी डिस्प्ले मिल जाती है, और इसके अलावा आजकल लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है दोस्तों फास्ट चार्जिंग का, तो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। में आपको यहाँ पर काफी अच्छे गेमिंग चिपसेट भी देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपका बजट 10,000 रुपए का है तो वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। और इसके साथ में दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपकी डिवाइस पर टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, समझने में आसानी हो इसके लिए हमने यहाँ पर सभी स्मार्टफोन्स को फीचर वाइज रैंक किया हुआ है, ताकि आपको ये समझ में आ सके कि फीचर के हिसाब से आपको कौन सा स्मार्टफोन बहुत अच्छा देखने को मिलता है। दोस्तों, नंबर 5 पर हमने रखा है आप सभी के लिए इस बजट का सबसे पावरफुल गेमिंग स्मार्टफोन। जी हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन है यहाँ पर इन्फिनिक्स का हॉट 10S। गेमिंग की बात की है तो शुरू करते हैं यहाँ पर स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस से। तो इस फोन के अंदर आपको मीडियाटेक हीलो G85 का चिपसेट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों इस प्राइस के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर लगभग 2,10,000 के आसपास के स्कोर देखने को मिल जाते हैं, तो परफॉर्मेंस और गेमिंग दोनों में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली है। साथ ही गेमिंग के लिए ही आपको यहाँ पर 6.8 इंचेस की HD+ वाली IPS LCD डिस्प्ले का सपोर्ट दिया गया है, जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए NEG Dynorex का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिल जाती है। गेमिंग के लिए आपको यहाँ पर डिस्प्ले और साथ ही साथ चिपसेट तो अच्छा देखने को मिलेगा ही, और इसके अलावा आपको यहाँ पर गेमिंग के लिए 6000 mAh की बैटरी भी देखने को मिलेगी, जिसको तेजी से चार्ज करने के लिए 18 वोल्ट की चार्जिंग का सपोर्ट तो दिया गया है, लेकिन दोस्तों बॉक्स के अंदर आपको 10 वोल्ट का चार्जर मिलता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर चार्जिंग के लिए माइक्रो USB की पोर्ट मिल जाएगी, तो बैटरी मॉड्यूल आपको अच्छा मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर है कि इसको चार्ज करने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन दोस्तों बैकअप आपको काफी अच्छा मिलने वाला है। जहां तक बात है कैमरास की दोस्तों, तो बैक में आपको यहाँ पर 48+2 मेगापिक्सल के दो कैमरा देखने को मिलेंगे, साथ ही 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। और दोस्तों दोनों ही तरफ आपको यहाँ पर LED फ्लैश भी देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी अच्छी बात हो जाती है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो आउटपुट देखने को मिलता है वो भी डिसेंट मिल जाएगा। और जहां तक बात है वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो फ्रंट और बैक कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर, तो कैमरा मॉड्यूल से आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही साथ दोस्तों, गेमिंग स्मार्टफोन है तो आपको यहाँ पर ड्यूअल DTS सराउंड साउंड का स्पीकर भी देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर जो ऑडियो मिलती है वो भी अच्छी और लाउड मिलने वाली है, तो आपको यहाँ पर कंटेंट वॉच करते समय या फिर गेमिंग के समय पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन सभी के अलावा दोस्तों, प्लास्टिक बिल्ड पर बना स्मार्टफोन है, लेकिन आपको यहाँ पर बैक में मैट फिनिशिंग देखने को मिल जाती है, जो कि इस स्मार्टफोन के लुक को और भी अच्छा बना जाती है। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर आपको रियर माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर, ट्रिपल कार्ड का स्लॉट और 3.5mm जैक देखने को मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, ये फोन भी आपको यहाँ पर लेटेस्ट एंड्रॉइड 11 पर देखने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर स्मार्टफोन का डाउनसाइड यही है कि आपको यहाँ पर ब्लॉटवेयर ऐप और एड्स देखने को मिलने वाले हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है वो ठीक मिलने वाला है। तो अगर आप इस बजट के अंदर एक पावरफुल और धमाकेदार गेमिंग स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं, तो आप इस फोन के साथ में डेफिनेटली जा सकते हैं। ये जो स्मार्टफोन है ये आपको मिलेगा 2 वेरिएंट्स में। 4 और 64 वाला वेरिएंट मिल जाता है 10,000 रुपए की प्राइस पर, वहीं पर 6 और 64 वाला वेरिएंट आपको मिल जाता है 11,000 रुपए की प्राइस पर। लेकिन दोस्तों थोड़े मोड़े बैंक ऑफर्स लगा करके इस स्मार्टफोन को आप 10,000 रुपए के आसपास में परचेस कर सकते हैं। और दोस्तों इस लिस्ट में हमने नंबर 4 पर रखा हुआ है एक प्रीमियम लुक वाले स्मार्टफोन को, और दोस्तों साथ में आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस भी अच्छी निकाल कर देता है, और इसके अलावा आपको यहाँ पर नीट एंड क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी मिल जाता है। दोस्तों ये स्मार्टफोन है यहाँ पर मोटोरोला की तरफ से आने वाला, मोटो का E40 फोन की, तो यहाँ पर भी आपको यूनिसॉक की तरफ से आने वाला यूनिसॉक T700 का चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि 12nm फैब्रिकेशन के साथ में आता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको लगभग 2,00,000 के आसपास के स्कोर देखने को मिल जाते हैं, तो आप समझ चुके होंगे कि आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस और भी ज्यादा बेटर मिलने वाली है, तो डिसेंट लेवल की आप गेमिंग कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पर डेली वर्क में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात कर ले यहाँ पर कैमरा की दोस्तों, तो बैक में आपको यहाँ पर 48+2+2 मेगापिक्सल के तीन कैमरा देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा, तो कैमरा सेटअप भी अच्छा दिया गया है। दोस्तों आपको यहाँ पर नेचुरल कलर के साथ में आउटपुट भी अच्छा मिलेगा। साथ ही साथ आप यहाँ पर फ्रंट और बैक कैमरा से फुल HD तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर। वहीं पर बात कर ले पावर हाउस की, तो 5000 mAh की बैटरी आपको यहाँ पर भी मिलने वाली है, जहाँ पर 10 वोल्ट की चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। ओवरऑल आपको यहाँ पर बैटरी मॉड्यूल से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी।
इन सभी के अलावा दोस्तों बात कर ले यहाँ पर स्मार्टफोन की डिस्प्ले की, तो इस फोन के अंदर आपको 6.5 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जहाँ पर आपको HD प्लस का रेजोल्यूशन और IPS पैनल का सपोर्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा किसी चाइनीज ग्लास का प्रोटेक्शन भी दिया गया है। और जहां तक बात है गेमिंग की दोस्तों, तो गेमिंग के लिए आपको यहाँ पर 90Hz की रिफ्रेश रेट और 180Hz की टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिल जाती है। तो स्मूथनेस आपको इस फोन के अंदर काफी अच्छी मिल जाती है। ओवरऑल आपको यहाँ पर डिस्प्ले के मामले में भी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। और हाँ दोस्तों, ये जो फोन है ये हल्का फुल्का वाटरप्रूफ भी है, तो काफी अच्छी बात हो जाती है। साथ ही आपको यहाँ पर प्लास्टिक बिल्ड पर देखने को मिल जाएगा, तो बिल्ड क्वालिटी भी आपको यहाँ पर डिसेंट मिल जाएगी। इन सभी के अलावा रियर माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, 3.5mm जैक देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पर भी आपको ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और गाइज ये स्मार्टफोन भी आपको यहाँ पर लेटेस्ट एंड्रॉइड 11 के साथ में देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आपको मोटोरोला की MIUI UX स्किन का सपोर्ट दिया गया है, तो कोई भी ब्लॉटवेयर ऐप और एड आपको यहाँ पर भी नहीं मिलने वाले हैं। सो ओवरऑल ये भी एक काफी अच्छा स्मार्टफोन है। लाइन में कहा जाए तो अगर आपको यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस, स्मूथ डिस्प्ले, अच्छे कैमरास और साथ ही साथ कोई ब्लॉटवेयर ऐप और एड नहीं चाहिए, तो आप इस फोन को देख सकते हैं। ये फोन आपको मिल जाएगा 4GB रैम 64GB इनबिल्ट मेमोरी के साथ में 9999 रुपए की प्राइस पर। चलिए बढ़ते हैं इस लिस्ट के अगले फोन की तरफ। और दोस्तों इस लिस्ट का जो अगला फोन है ये आपको नॉन चाइनीज भी देखने को मिलता है, साथ में आपको परफॉर्मेंस के अलावा कैमरा और डिस्प्ले सभी काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं, या फिर दोस्तों आप इन्हें एक बेस्ट ऑलराउंडर भी कह सकते हैं। और गाइस ये स्मार्टफोन है यहाँ पर माइक्रोमैक्स का इन नोट 1। शुरू करते हैं कैमरा से, तो यहाँ पर हमें बैक में 4 कैमरा देखने को मिलेंगे, जहाँ पर मेन कैमरा दिया गया है 48 मेगापिक्सल का, जो कि आता है 1.79 अपर्चर के साथ में। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको सैमसंग का S5KGM1 वाला सेंसर देखने को मिलेगा, साथ ही साथ 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर डेप्थ सेंसर देखने को मिलने वाला है। और गाइस जहाँ तक बात है सेल्फी कैमरा की, तो सेल्फी के लिए आपको यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको ओमनी विजन का सेंसर देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो सेटअप दिया गया वो काफी अच्छा दिया गया है, साथ ही साथ आपको यहाँ पर कैमरा का जो UI देखने को मिलेगा वो भी काफी अच्छा देखने को मिलता है। तो इजी इंटरफेस रहने वाला है, जिससे आपको यहाँ पर कैमरा को समझने में काफी आसानी मिलेगी। साथ ही साथ जहां तक बात है आउटपुट की दोस्तों, तो मेन कैमरा से आपको यहाँ पर आउटपुट भी काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा, डे लाइट में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आएगी। हाँ फ्रेंड, इस फोन के अंदर आपको सेल्फी कैमरा भी काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा, तो सेल्फीज के लिए भी अगर आप स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो आप एक बार स्मार्टफोन को देख सकते हैं। इसके अलावा बात कर लें यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो फ्रंट और बैक कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर। तो कैमरा मॉड्यूल आपको यहाँ पर अच्छा मिलेगा, साथ ही साथ कैमरा से आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं होगी। इन सभी के अलावा बात कर ले यहाँ पर स्मार्टफोन की बाकी फीचर्स की, इसके साथ में इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर 6.67 इंचेस की यानी इसको काफी बढ़िया डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, जहाँ पर आपको फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन और IPS पैनल का सपोर्ट देखने को मिलेगा। और हाँ दोस्तों, जहां तक बात है प्रोटेक्शन की, तो यहाँ पर किसी चाइनीज ग्लास का प्रोटेक्शन भी आपको देखने को मिल जाता है। कंटेंट वगैरह वॉच करने के लिए आपको यहाँ पर काफी बढ़िया डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, साथ ही गेमिंग के लिए आपको यहाँ पर नॉर्मल 60Hz की रिफ्रेश रेट और 120Hz तक की टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिल जाएगी। तो सबके पास देखेंगे तो आपको यहाँ पर डिस्प्ले काफी बढ़िया देखने को मिलने वाली है, डिस्प्ले से आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं होगी। पावर हाउस की बात करें तो इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर 5000mAh की डिसेंट बैटरी देखने को मिलने वाली है, जहाँ पर आपको एक दिन का बैकअप काफी आसानी से मिलने वाला है। साथ ही इसे तेजी से चार्ज करने के लिए 18 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है, और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल बैटरी मॉड्यूल भी आपको यहाँ पर काफी अच्छा देखने को मिलने वाला है, बैटरी मॉड्यूल से भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं होगी। बात करते हैं स्मार्टफोन के ब्रेन की, तो इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर 12nm फैब्रिकेशन के साथ में MediaTek Helio G85 का चिपसेट देखने को मिल जाएगा, जो कि दोस्तों डे टू डे यूजेस और गेमिंग आपको काफी अच्छी करा देगा, तो परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली है। और इसके अलावा दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 11 बेस्ड क्लियर स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिल जाता है, तो कोई भी ब्लॉटवेयर ऐप और एड्स का पंगा भी नहीं होने वाला है, जो कि काफी अच्छी बात हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर रियर माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, 3.5mm वाला खड्डा देखने को मिल जाएगा, ट्रिपल कार्ड के स्लॉट भी आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 SIM और 1 memory card लगा सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बात हो जाती है। सो अगर एक लाइन में कहूँ दोस्तों, तो अगर आपको यहाँ पर एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन लेना है और साथ ही साथ अगर आपको यहाँ पर एक बेस्ट ऑलराउंडर फोन लेना है, तो डेफिनेटली आप इस फोन के साथ में जा सकते हैं। ये स्मार्टफोन अभी आपको मिल रहा है 4GB रैम 64GB इनबिल्ट मेमोरी के साथ में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए की प्राइस पर। सो अगर आप चाहें तो डेफिनेटली इस फोन को यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। और भाई आप में से यहाँ पर काफी लोग ये सोच रहे होंगे यार कि हमें यहाँ पर 6GB तक की रैम वाला स्मार्टफोन परचेस करना है, तो दोस्तों आप यहाँ पर माइक्रोमैक्स का इन2B स्मार्टफोन देख सकते हैं।
हालांकि दोस्तों ये स्मार्टफोन इस प्राइस के अकॉर्डिंग यार थोड़ा डिसेंट मिलेगा, जहां पर आपको यूनिसॉक का चिपसेट देखने को मिल जाता है, 6.5 इंच की HD प्लस वाली डिस्प्ले दी गई है, इसके अलावा 5000mAh की बैटरी और बैक में 13+2 MP के दो कैमरा मिल जाते हैं। तो देखा जाए तो परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर अच्छी मिल जाएगी, लेकिन बाकी की जो स्पेसिफिकेशन है वो आपको ठीक ठाक मिलती है। तो अगर आप यहाँ पर 10,000 रुपये के अंदर ज़्यादा रैम वाला स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तब आप स्मार्टफोन को ज़रूर से देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको यहाँ पर इस प्राइस के अकॉर्डिंग एक फीचर रिच स्मार्टफोन परचेस करना है तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं टेक्नो का स्पार्क 8 प्रो। शुरू करते हैं यहाँ पर स्मार्टफोन की डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। तो दोस्तों बिल्ड क्वालिटी के मामले में फोन आपको प्लास्टिक बिल्ड पर ही देखने को मिलेगा, लेकिन इस बार जो डिजाइन देखने को मिलता है वो थोड़ा सा अलग और अच्छा देखने को मिल जाएगा। तो डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के मामले में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं होगी। बात कर लेते हैं दोस्तों अब यहाँ पर फोन के डिस्प्ले की। तो फोन के अंदर हमें यहाँ पर 6.8 इंचेस की फुल एचडी प्लस वाली IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, साथ ही NEG डिनोरेक्स का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा और लगभग आपको यहाँ पर 500 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस दी गई है। तो कंटेंट वॉच करने के लिए डिस्प्ले अच्छी है, साथ ही साथ आउटडोर में भी आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जहाँ तक बात है गेमिंग की, तो गेमिंग के लिए नॉर्मल 60Hz की रिफ्रेश रेट और 120Hz की टच सैम्पलिंग रेट दी गई है। तो गेमिंग के लिए तो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन दोस्तों ओवरऑल देखेंगे तो डिस्प्ले के मामले में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आएगी। और दोस्तों कैमरास की बात करें यार, तो यहाँ पर आपको फीचर्स काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। बैक में आपको यहाँ पर 3 कैमरा सेंसर देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर मेन कैमरा 48 MP का, 2 डेप्थ और 2 MP का आपको यहाँ पर AI लेंस देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों बात कर ले सेल्फी की, तो सेल्फी के लिए आपको यहाँ पर 8 MP का सेंसर देखने को मिल जाता है। दोस्तों आपको यहाँ पर कैमरा फीचर्स काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर 2K टाइम लैप्स का सपोर्ट देखने को मिलेगा, साथ ही वीडियो बुके मोड आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा स्लो मोशन जैसे फीचर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, तो ये भी काफी अच्छी बात हो जाती है। साथ में दोस्तों आपको यहाँ पर मेन कैमरा से आउटपुट भी अच्छा देखने को मिल जाएगा, तो कैमरा से आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आएगी। और बात कर ले वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो फ्रंट और बैक कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD तक की वीडियो भी रिकॉर्ड कर पाएंगे 30fps पर। तो ओवरऑल कैमरा से आपको यहाँ पर कोई खास शिकायत नहीं आने वाली। इसी के साथ में फोन के अंदर आपको MediaTek Helio G85 का चिपसेट देखने को मिल जाएगा, जो कि 12nm फैब्रिकेशन के साथ में आता है। तो हालांकि आपको यहाँ पर थोड़ी मोड़ी हीटिंग तो देखने को मिलेगी, लेकिन दोस्तों डे टू डे यूजेस और साथ ही डिसेंट गेमिंग में आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जहां तक बात है AnTuTu स्कोर की, तो लगभग आपको यहाँ पर 210,000 के आसपास के स्कोर देखने को मिल जाएंगे। तो आप समझ चुके होंगे कि परफॉर्मेंस और गेमिंग दोनों ही आपको डिसेंट देखने को मिल जाएगी, दोनों में आपको यहाँ पर कोई खास शिकायत नहीं आएगी। इन सभी के अलावा दोस्तों बात कर ले यहाँ पर फोन के हाइलाइटिंग फीचर की, तो गाइस इस फोन के अंदर 5000mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली है, जो कि नॉर्मल बात है। लेकिन दोस्तों फोन के अंदर आपको यहाँ पर 33W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा और चार्जर आपको बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाता है। इस बजट के अंदर अभी तक किसी भी फोन के अंदर हमें यहाँ पर इतनी अच्छी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलता था, जो कि इस फोन के अंदर आपको मिल जाएगा। बैटरी मॉड्यूल धमाकेदार देखने को मिलेगा, बैटरी मॉड्यूल से कोई शिकायत नहीं आएगी। इन सभी के अलावा साइड माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, 3.5mm वाला जैक देखने को मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों यहाँ पर आपको डेडिकेटेड स्लॉट दिया गया है, जिसका मतलब कि आप यहाँ पर एक साथ में 2 4G SIM और एक मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे, जो कि काफी अच्छी बात हो जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस होने वाला वो आपका ठीक ठाक रहेगा। ये फोन आपको मिल जाता है एंड्रॉइड 11 बेस्ड iOS 7.6 पर, जहाँ पर आपको ब्लोटवेयर ऐप और एड्स देखने को मिल जाते हैं। तो सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पर ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों ये फोन टेक्नो की तरफ से आया है, लेकिन दोस्तों अगर आप फीचर देखेंगे तो काफी अच्छे फीचर के साथ में स्मार्टफोन को लॉन्च किया गया है। साथ में दोस्तों ये फोन आपको काफी अच्छी प्राइस पर भी मिल रहा है, 4 और 64 वाला वेरिएंट आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ 10,600 रुपए की प्राइस पर। और इस प्राइस पर यार 33W की फास्ट चार्जिंग और 1.6 अपर्चर के साथ में कैमरा सेटअप कमाल की बात है। अगर आप चाहें तो डेफिनेटली इस फोन को चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी वो हमारी तरफ से टॉप 5 फोन्स की लिस्ट, जो कि आप यहाँ पर 10 से लेकर के 10,500 रुपए की प्राइस पर परचेस कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे बोला था, सभी के अंदर आपको फीचर्स काफी अच्छे मिल जाते हैं। और इसके अलावा दोस्तों सभी स्मार्टफोन्स के जो लिंक्स है वो भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, तो आप इनकी करंट प्राइस भी जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। साथ में दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो जरूर से हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा, और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। सो चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।